जहांगीरपुर वैसी में 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में कोसी नदी का भीषण कटाव शुरू। पिछले 48 घंटे में कहीं 2 तो कहीं 3 फीट हुआ है कटान। रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर वैसी गांव में विगत 4 दिनों से एक बार फिर कोसी नदी भीषण कटाव करने लगी है। पिछले 48 घंटे में कोसी नदी ने जौनिया से वैसी गांव तक करीब 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर 3 तो कहीं पर 2 फीट का कटान किया है। यहां पर कोसी नदी बड़ी तेजी से उपजाऊ जमीन को लील रही है, तो दूसरी तरफ गांव की नदी से दूरी महज 100 मीटर रह गई है। ऐसी स्थिति में अगर कोसी तट पर बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो आए दिन करीब 200 परिवार के सदस्य बेघर हो जाएंगे। समाज सेवी व ग्रामीण अवधेश यादव ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से कोसी की कुदृष्टि वैसी गांव पर है। महज 1 वर्ष में ही कोसी नदी ने करीब 200 एकड़ उपजाऊ जमीन को अपने गर्त में समा लिया है। जल संसाधन विभाग नवगछिया के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि जहांगीरपुर वैसी में अस्थायी कटाव निरोधी कार्य करवाने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है। कार्य स्वीकृत होते ही उसे धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रंगरा पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर किया फैमिली प्लानिंग जागरूकता अभियान की शुरुआत। रंगरा पीएचसी में शुक्रवार को फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। डॉक्टर रंजन ने कहा कि यह अभियान मार्च तक चलेगा। डॉक्टर रंजन ने कहा कि देश, समाज और परिवार की तरक्की के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 बच्चे ही पैदा करने चाहिए और 2 बच्चे के बाद प्रत्येक नागरिक, महिला हो या पुरुष, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वे फैमिली प्लानिंग के लिए सटीक और अस्थायी साधन का चुनाव करें। डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि फैमिली प्लानिंग का सटीक विकल्प चुनने वाले लोगों के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। इस अवसर पर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी, सुधीर कुमार, धर्मेंद्र कुमार ओझा, बबलू कुमार, मुकेश कुमार भी मौजूद थे। रंगरा प्रखंड मुख्यालय में हमेशा खुला ही रहता है नल, रोज सैकड़ों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। रंगरा प्रखंड मुख्यालय में हमेशा पानी का नल खुला ही रहता है, जिसके कारण सैकड़ों लीटर पानी रोज बर्बाद हो जा रहा है। मालूम हो कि प्रखंड मुख्यालय में पानी की बर्बादी पदाधिकारियों के नजर के सामने लंबे समय से हो रही है। रंगरा के युवा समाज सेवी राजकुमार रजक ने रंगरा के अंचलाधिकारी से मामले में पहल कर पानी की बर्बादी को रोकने की मांग की है। रंगरा पीएचसी में कोरोना जांच, 160 लोगों का रैपिड एंटीजन और 60 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर। रंगरा पीएचसी में हुए कोरोना जांच में 160 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया है, जबकि 60 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रैपिड एंटीजन किट से किए गए 160 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि आरटीपीसीआर किए गए 60 लोगों का सैंपल भागलपुर लैब भेजा गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है।